तो चलिए गाइस, आज की वीडियो आपने जो भजन सुना माता जी का, तूने मुझे बुलाया शेर वाली, तो गाइस इसी भजन के बीच में जब आप इस टोन को प्ले करते हो तो उसके भजन के बीच में एक बेल का उपयोग किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से देखिए। तो गाइस इसी बेल को आज हम एडिट करने वाले हैं, तो इसका कुछ ज़्यादा पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए जाना पड़ेगा टोन नंबर 659, 659 नंबर में आपको क्रिस्टल जी के नाम से ये टोन मिलेगा। तो गाइस इसी टोन को हम मॉडिफाई करके विदाउट मॉडिफाई, देखिए गाइस विदाउट मॉडिफाई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब हम इसको मॉडिफाई कर देंगे तो इस प्रकार से बनेगी। चलिए गाइस देखते हैं इसका एडिटिंग। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, देखिए आपको जाना पड़ेगा मिक्सर में, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद आप देख लीजिए पार्ट ऑन रहेगा, दो नंबर से नीचे आके वॉल्यूम 127, फिर से आपका पैन 00 रहेगा। इसके बाद रिवर्ब सेंड आपका 41 डिफॉल्ट रहेगा, कोर सेंड भी आपने डिफॉल्ट रखना है, डीले सेंड भी डिफॉल्ट। एग्जिट आके फंक्शन के बटन को प्रेस करके रखना है। अब देखिए गाइस अटैक टाइम आपका कम रहेगा, 59 59 रहेगा, 59। इसका तीन नंबर से आगे जाके रिलीज टाइम देखिए 68 68 रखना आपने, 068। इसके बाद फिर से तीन नंबर आगे जाके कट ऑफ आपका 67 कर, जैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका रेजोनेंस गाइस 68 रहेगा। फिर से तीन नंबर से आगे जाके वाइब्रेटो को नहीं छोड़ना है, ऑक्टव शिफ्ट को प्लस करना है, एक आपका 0 होगा डिफॉल्ट, इसको आपने 1 कर देना है। इसके बाद वॉल्यूम आपने 92, वैली सेंस आपका 63, रिवर्ब सेंड देखिए 64 एडजस्ट कर लीजिए आप, 64 65 कर लीजिए। इसके बाद कोरस सेंड आपका 23 रहेगा और डीले सेंड आपका 40 का, डीएसपी के साथ नहीं छेड़ना है। इसके बाद एग्जिट आके यस करने को पूछेगा, यस करना है, राइट करने के बाद यस करके गाइज आपका टोन बनकर तैयार इसका है। तो गाइज जो हमने भजन प्ले किया है उसी के भजन के बीच में ये टोन उपयोग की जाती है, देखिए। जब आप इतना बनकर आपका तैयार हो चुका है तो उसके बाद देखिए इस टोन में हमें जो लेयर करना है टोन गाइस, वो टोन है हमारा, मैं आपको बता देता हूं, तो गाइस एक हमने मुरली एडिट की थी, तो उसी मुरली को जब हम इसमें लेयर कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। गाइस इसमें मुरली लेयर करके आपका टोन पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसके अपने स्टोर जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ पर स्टोर बटन प्रेस करके, एक या दो जहाँ भी आपने सेव करना है सेव प्रेस करके आपका पूरा टोन बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस काफ़ी सारे गानों में आप इस बेल को उपयोग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय। It's so good.